ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजों की घोषणा हो गई है। देश के सबसे बड़े नगर निगम में से एक ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भाजपा का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। भाजपा ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं केसीआर की पार्टी टीआरएस को 55 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम को 44 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को महज 2 सीटों से संतोष करना पड़ा है, एक सीट के नतीजे को रिजर्व कर लिया गया है। इस चुनाव में कोई भी पार्टी बहुमत के आंकड़े के पास नहीं पहुंच सकी। 150 वार्ड वाले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में बहुमत का आंकड़ा 75 है। भाजपा की जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताया, तेलंगाना की जनता का आभार। इस चुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा को जीत दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। भाजपा के इन स्टार प्रचारकों ने निगम के चुनाव में जमकर प्रचार किया था। तीनों ही नेताओं ने हैदराबाद में रोड शो किया था और असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा था। यह कहना गलत नहीं होगा कि नगर निगम के चुनाव में भाजपा बाजीगर बनकर उभरी है। इस शानदार जीत के बाद सवाल उठता है कि क्या दक्षिण के दुर्ग का दूसरा दरवाजा भाजपा के लिए जल्द ही खुलने वाला है? क्या कर्नाटक के बाद भाजपा दक्षिण के दूसरे राज्यों में भी सत्ता के शिखर पर पहुंचने में कामयाब हो जाएगी? चुनाव तो वैसे नगर निगम का था, लेकिन रोमांच किसी लोकसभा विधानसभा चुनाव से कम नहीं था। यह नगर निगम 4 जिलों में है, जिनमें हैदराबाद, मेडचल, मलकजगिरी, रंगारेड्डी और संगारेड्डी शामिल हैं। पूरे इलाके में 24 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो तेलंगाना की 5 लोकसभा सीटें भी इसी नगर निगम क्षेत्र में आती हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में केसीआर से लेकर भाजपा, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी तक ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। टीआरएस ने बेशक भाजपा से ज़्यादा सीटें जीती हैं, लेकिन इस चुनाव के नतीजे पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं हैं। इस बार 46.55% मतदान हुआ था। 2009 के हैदराबाद नगर निगम चुनाव में 42.04% तो 2016 में हुए नगर निगम चुनाव में 45.29% लोगों ने ही वोट डाले थे। पिछले 2 चुनावों की तुलना में इस बार ज़्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। 2016 में हुए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव की बात करें तो टीआरएस ने 150 वार्डों में 99 वार्ड में जीत हासिल की थी, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम को 44 वार्ड में जीत मिली थी। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा को महज 4 नगर निगम वार्ड में जीत मिली थी, कांग्रेस को 2 वार्डों में जीत मिली थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए।